वहीं अहिवारा नगर पालिका के कुछ नागरिकों एवं एल्डरमैन द्वारा नगर पालिका अहिवारा के कार्यों में अनियमितता की शिकायतें जिला कलेक्टर से की गई थी, जिस पर कलेक्टर दुर्ग ने अपर कलेक्टर, नायब तहसीलदार अहिवारा एवं नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों की टीम गठित कर अहिवारा नगर पालिका की जांच एवं निरीक्षण करवाया, जिसमें 62 लाख रुपए की नाले निर्माण, 55 लाख रुपए अहिवारा हाई स्कूल में निर्माण कार्य सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण करना शामिल था, जिसका अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। आज यहाँ पे कलेक्टर द्वारा नियुक्ति नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रही है उसको हम लोग के द्वारा शिकायत किया गया था, जिसका कलेक्टर के द्वारा नियुक्त 4 सदस्य आए हुए थे, जिन्होंने जो विभिन्न बिंदुओं पे जो शिकायत हुई थी उसकी जांच किए और जांच करके जिसमें अनियमितता जिसमें पाई गई उसका जांच करके वो लेके गए हैं और जांच के पश्चात वो कार्यवाही करेंगे। 4-5 बिंदुओं पे हम लोगों ने कलेक्टर में आवेदन किए थे, उसकी जांच के लिए वहाँ से अधिकारी आए थे, जिसमें गौठान था और 62,11,000 का जो नाली निर्माण कार्य हुआ और 15 लाख का जो कोविड का पेमेंट किया गया उसके विषय में जांच के लिए आए थे और अधिकारियों के साथ हम लोग की बात हुई, फील्ड में भी विजिट किया गया और सब कुछ दिखाया गया। उसके बाद अभी 4.5 करोड़ का जो बजट सेंक्शन हुआ है और उसमें टेंडर हुआ है, उसमें भी काफ़ी अनियमितता पाई गई, जो नाली ठीक था, रोड ठीक था, उसको मरम्मत संधारण पर नाम पर फिर से उसको टेंडर किया गया। तो हम लोगों ने माननीय जो आए थे जांच अधिकारी उनसे निवेदन किए कि जो कार्य जो अच्छा है रोड और नाली उसको एक बार और जांच कीजिए और जो ठीक है उसको रहने दीजिए, जो आवश्यक काम है उसको पहले करवा दीजिए। और उसमें ये कहा गया जो मुख्य सड़क है, जो शहर का मुख्य सड़क होता है उसमें पहले फोकस कीजिए, उसके बाद गलियों को बनाया जाए। गौठान वाला मामला था जो उसमें भी अनियमितता पाई गई है, गौठान में 19,11,000 का जो इसका टेंडर लगा था जिसमें से लगभग 14.5 लाख रुपए ठेकेदार को पेमेंट कर दिया गया और उसको पेमेंट करने के बाद भी वो बाद में उसको शेड गिर गया और उसको गिरने के बाद उसको जलाकर उसको पूरा नष्ट कर दिया गया और उसके बाद जो भी निर्माण कार्य हुआ है वो नगर पंचायत के द्वारा किया गया है। तो हम लोगों ने पहली आपत्ति यही की है कि जब वो हैंडओवर नहीं हुआ है तो उसमें फिर सरकार हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, नगर पालिका कर्मचारी क्यों काम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन किया गया तो इसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन आज जांच के लिए गए थे तो वहाँ पे ये बताया गया कि नहीं वो टूटा उस समय हैंडओवर किया गया। तो ये इस प्रकार से अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी हमको दी गई थी। जो आज मौके फील्ड पे गए वहाँ पे कोई मवेशी नहीं था, कोई कुछ नहीं था और एक चौकीदार जो परमानेंट सरकारी वेतन जिसका 8 से 10-12 हज़ार रुपये है उनको रखा गया है, जबकि वहाँ पे कोई न मवेशी है न कुछ है। इस तरह से शासन का पैसे का एक एक पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और वहाँ पे जो नेपियर घास लगाने के लिए रेज बेड लगा था वर्तमान स्थिति में जाके देखे तो वहाँ कोई घास वास नहीं लगा है। इस तरह शासन के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और चूंकि हम शासन के प्रतिनिधि होते के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का दुरुपयोग रुकना चाहिए। नगर पालिका अहिवारा में विभिन्न बिंदुओं पर जो शिकायतें थी उसकी जांच के संबंध में आए और चूँकि अभी जांच प्रक्रियाधीन है तो जांच के बाद ही हम लोग इसके संबंध में आगे बता पाएंगे। शिकायत में था, शिकायत में मुख्य रूप से यहां पर निर्माण कार्यों को लेकर अनियमितताओं के संबंध में है और उसमें अभी काफ़ी अलग अलग बिंदुओं पर है, उसमें वक्त लगेगा, अभी 7 से 8 बिंदु हैं अभी।